हेलो बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की कक्षा में ज्ञान सागर का 12वां अध्याय दशमों की कीमत पढ़ेंगे। इसमें आपको बताया गया है कि कई बार पेरेंट्स आपके भलाई के लिए डांटते पटकारते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको माता पिता प्यार नहीं करते। वो जहां आपको डांटते प्यार फटकारते हैं तो वहां प्यार भी करते हैं। तो ये था आपका लेसन 10 सामों की कीमत। गर्मियों की छुट्टियों के तीसरे दिन ही पिताजी ने स्वामीनाथन को घर से बाहर निकलते देखा तो आवाज़ देकर बुलाया। पिताजी छोटे आंगन में धोती बनियान पहने खड़े थे। स्वामी को उन्हें इस पोशाक में देखना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि इसका मतलब होता था कि वे निकट भविष्य में बाहर जाने वाले नहीं हैं। अब आगे पिताजी और स्वामीनाथन की बातचीत कैसे होती है। कहाँ जा रहे हो? कहीं भी नहीं। कल शाम इस वक्त कहाँ थे? यहीं था। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम यहाँ नहीं थे और अब बाहर नहीं जाओगे। बैठकर पढ़ो। पिताजी ने पास खड़े होकर स्वामीनाथन को पुस्तकें झाड़ने और मेज़ साफ करने का आदेश दिया। स्वामीनाथन बड़ी फुर्ती मतलब तेजी से किताबों की धूल झाड़ने लगा और मन ही मन सोच रहा था कि यदि छुट्टियों में भी पढ़ाई करना जरूरी है तो छुट्टियाँ दी ही क्यों जाती हैं। आधे घंटे बाद स्वामीनाथन पिताजी के कमरे में स्लेट पेंसिल लेकर तैयार बैठा था। पिताजी ने गणित की पुस्तक खोल रखी थी और उन्होंने लिखवाया कि राम के पास 10 आम हैं जिनसे वह 15 आने कमाना चाहता है। कृष्ण को सिर्फ 4 आम चाहिए। कृष्ण को कितना पैसा देना पड़ेगा? आमों की बात सुनकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसके समझ में नहीं आया कि राम ने 10 आमों की कीमत 15 आने क्यों रखी। राम किस तरह का आदमी था? तुमने सवाल कर लिया? पिताजी ने अखबार से नज़र उठाकर पूछा। पिताजी, क्या बताएंगे कि राम कच्चे आम बेच रहा था या पके हुए? पिताजी कुछ क्षणों से देखते रहे, फिर बोले, पहले सवाल हल करो, बाद में बताऊंगा कि राम कच्चे आम बेच रहा था या पके हुए। स्वामीनाथन को लगा कि वह बिल्कुल लाचार है। काश पिताजी बता देते कि राम कच्चे आम बेच रहा था या पके हुए। बाद में उन्होंने बताया भी तो वह किस काम का। उसे पक्का विश्वास था कि सवाल के इसी जवाब में सारी समस्या की कुंजी है। 10 सामों की के लिए 15 आने की मांग करना एकदम गलत है। अगर वह ऐसा करता है तो यह राम के स्वभाव के अनुरूप ही होगा। स्वामीनाथन अब राम से घृणा करने लगा था और उसमें कई दुर्गुण देखने लगा था। स्वामीनाथन ने स्लेट को दूर हटा कर कहा, पिताजी, मुझसे यह सवाल हल नहीं होता। क्या बात है, तुम इतना आसान सा सवाल हल नहीं कर सकते? हमें स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। स्लेट इधर लाओ, मैं अभी तुमसे सवाल निकलवाता हूँ। स्वामीनाथन बड़ी उत्सुकता से किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहा था। पिताजी ने सवाल को मन में पढ़ा और पूछा कि 10 सामों की कीमत कितनी है। स्वामीनाथन ने सवाल पर नज़र डालकर यह जानना चाहा कि उसके किस हिस्से में जवाब छिपाए, फिर बोला, पता नहीं। तुम एक नंबर के बुद्धू हो। पिताजी ने कहा कि तुम एक नंबर के बुद्धू हो। पढ़ो, सवाल पढ़ो। राम ने 10 आमों की कीमत कितनी रकम मांगी है? 15 आने, स्वामीनाथन ने कहा, किंतु उसका मन मानने को तैयार नहीं था। बहुत अच्छा, कृष्ण कितने आम लेना चाहता है? 4। 4 आमों का कितना दाम हुआ? ऐसा लग रहा था कि स्वामीनाथन को स्थाने में पिताजी को मजा आ रहा था। वह कैसे जान सकता है कि वह बेवकूफ़ कृष्ण कितना दाम देगा, ऐसा स्वामीनाथन को लग रहा है। देखो स्वामी, मन तो करता है तुम्हारी खूब मरम्मत करूं। तुम्हारी खोपड़ी में क्या घुसघुसा भरा है? 10 सामों की कीमत हुई 15 आने, तो एक की कितनी हुई, बोलो। अगर तुमने नहीं बताया तो, पिताजी ने गुस्से से बोले। फिर उन्होंने स्वामीनाथन का कान पकड़ा और धीरे से मरोड़ा। स्वामीनाथन की बोलती बंद थी, क्योंकि वह यह फैसला नहीं कर सकता था कि राम सवाल जमा का है, घटा का है, गुना का है या भाग का है। उसकी हिचकिचाहट जितनी लंबी हुई कान भी उतनी जोर से खींचता गया। जब तक तुम नहीं बताओगे कि 10 सामों के 15 आने तो एक काम कितने का, तब तक मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। स्वामीनाथन आंखें मिचमिचाकर सोचता रहा, पिताजी को क्या हो गया है? आम की कीमत जानने की क्या ज़रूरत है? यदि पिताजी जानना जरूरी समझते हैं तो वे बाजार जाकर पूछ क्यों नहीं आते? राम और कृष्ण के बीच कुछ आमों और कुछ पैसों के लेन देन को लेकर लंबी चिकचिक पर स्वामीनाथन को झुंझलाहट हो रही थी। अब पिताजी ने यह कहकर हार मान ली कि एक आम की कीमत होगी 15/10।
अब इसे सरल करो। स्वामीनाथन ने देखा कि उसे गणित के भयानक क्षेत्र में धकेला जा रहा है। पिताजी मेरी स्लेट दीजिए, मैं अभी निकालता हूँ, स्वामीनाथन बोला। उसने सवाल हल किया और 15 मिनट बाद बोला, एक काम की कीमत हुई 3/2 आना। उसे उम्मीद थी कि उत्तर गलत बताया जाएगा, किंतु पिताजी ने कहा, बहुत अच्छे, इसे भी सरल करो। 1 घंटा यात्रा झेलने के बाद स्वामीनाथन ने घोषणा की, कृष्ण को 6 आने देने होंगे। इसके साथ ही वह रो पड़ा। शाम 5 बजे क्लब जाते समय स्वामीनाथन के पिता को इस बात का अफसोस हुआ कि उन्होंने बेटे को सारी दोपहर परेशानी में डाले रखा। स्वामी को खंभे के पीछे उदास खड़ा देख उन्होंने पूछा, क्यों बेटे, मेरे साथ क्लब चलोगे? स्वामी एक क्षण के लिए उज्जवल हुआ और फिर कोट टोपी पहनकर प्रकट हो गया। घर के बाहर कार का हॉर्न बजा। पिताजी ने टेनिस का रैकेट उठाया और स्वामीनाथन को साथ लेकर तेजी से कार की ओर चल पड़े। इसके लेखकों ने RK नारायण। यातना मतलब पीड़ा, ओझल मतलब गायब होना। तो ये लेसन पढ़ा कि इसमें एक तरफ पिताजी उसे डांटते फटकारते हैं तो दूसरी तरफ प्यार भी करते हैं। डांटना फटकारना माता पिता को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन कई बार बच्चों की भलाई के लिए उन्हें डांटना फटकारना पड़ता ही है। अब इसका अभ्यास है। पहले क्वेश्चन है पाठ में से कि पिताजी भविष्य में बाहर जाने वाले नहीं, स्वामीनाथन को ऐसा क्यों लगा? क्योंकि पिताजी आंगन में धोती बनियान पहने खड़े थे। पिताजी ने स्वामीनाथन को क्या करने का आदेश दिया? मेज साफ करने और मेज साफ करने का आदेश दिया। जब पिताजी ने स्वामीनाथन को पढ़ने के लिए कहा तो वह क्या सोच रहा था? वह सोच रहा था कि यदि छुट्टियों में भी पढ़ाई करना जरूरी है तो छुट्टियाँ दी ही क्यों जाती हैं। आगे क्वेश्चन आंसर छोटे हैं, आपने सही उत्तर पर निशान लगाना है कि आधे घंटे बाद स्वामीनाथन पिताजी के कमरे में क्या लेकर बैठा था? स्लेट पेंसिल लेकर बैठा था वो। पिताजी ने किसकी पुस्तक खोल रखी थी? गणित की। गणित मतलब मैथ। स्वामीनाथन ने सवाल हल करने के बाद एक काम की कीमत कितनी निकाली? 3/2 आना। बातचीत के लिए है कि स्वामीनाथन को झुंझलाहट क्यों हो रही थी? क्योंकि पिताजी ने जो सवाल हल करने के लिए दिया था उस सवाल को हल करने के कारण छिड़ी लंबी चिकचिक पर स्वामीनाथन को झुंझलाहट हो रही थी। और स्वामीनाथन को कब लगा कि वह लाचार है? उसे लगा कि वह लाचार है क्योंकि पिताजी नहीं बता रहे थे कि राम कच्चे आम बेच रहा था या पके हुए, क्योंकि उसे विश्वास था कि इसी सवाल में सारी समस्या की कुंजी है। आप अपने पिताजी कि किस वेशभूषा से समझ जाते हैं कि वे घर से बाहर जाने वाले नहीं हैं? आप किस विषय का गृह कार्य सबसे पहले करते हैं और क्यों? छुट्टियों में पढ़ाई करना जरूरी है तो छुट्टियां दी ही क्यों जाती है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? ये तीनों क्वेश्चन आपके करने के लिए आप करेंगे। अनुमान और कल्पना, क्यों बेटे मेरे साथ क्लब चलोगे? स्वामी एक क्षण के लिए उज्जवल हुआ, फिर कोट टोपी पहनकर प्रकट हो गया। क्लब जाते हुए स्वामीनाथन को कैसा लग रहा होगा? ये भी आप बता, अच्छा ही लग रहा होगा, ठीक है, वो खुश हो गया होगा क्लब का नाम सुनकर। उस समय स्वामीनाथन अपने पिता के बारे में क्या सोच रहा होगा? जब सवाल हल करना था तो स्वामीनाथन को लग रहा था कि पिताजी यहाँ क्यों हैं, लेकिन उस समय स्वामीनाथन को पिताजी अच्छे लग रहे होंगे। आगे है फिलअप करना है कि नुक्ता वाले शब्द आएंगे या बिना नुक्ता वाला शब्द आएगा। महात्मा के चेहरे पर तेज है बिना नुक्ता का। भुवन का घोड़ा बहुत तेज यानी कि बिंदी वाला। सांप का फन मतलब बिना बिंदी का। स्नेहा तो चित्रकारी के फन में माहिर है, फन, ठीक है, यानी कि जब आप ज बोलते हो बिना बिंदी के वो ज बोला जाता है, और जब बिंदी वाला ज है उसको बोला जाता है ज। और ऐसे ही बिना बिंदी का फ होता है उसमें दोनों होंठ जुड़ जाते हैं, फन। और लेकिन जब बिना बिंदी का होता है तो उसमें ऊपर का नीचे के होंठ ऊपर के दांतों को टच करते हैं, फन। नीचे देखिए शब्दों को शब्दकोश के क्रम अनुसार, यही होता है कि आपको शब्दकोश को इसको शब्दों को डिक्शनरी के आधार पर लिखना है। जैसे इंग्लिश की डिक्शनरी होती है वैसे हिंदी की होती है। तो इसमें नंबर 1 पे जैसे उसमें ABC के आधार पर होते हैं, इसमें अ आ स्वर और व्यंजनों के आधार पर वर्ड बनाए जाते हैं। जैसे पहले पे आएगा अखबार, फिर आंगन, कीमत, फिर स्टोर पे छुट्टी, फिर 5 पे निकट, 6 पे निकलते, 7 पे भयानक, 8 पे श्याम, 9 पे सवाल और 10 पे हल।
अब जीवन मूल्य से संबंधित है कि देखो स्वामी, मन तो करता है तुम्हारी खूब मरम्मत कर, तुम्हारी खोपड़ी में क्या गुस्सा भरा है? इस लाइन को देखकर आपने उत्तर देना है। स्वामी के पिता का इस तरह उसे डांटना फटकारना क्या सही है? क्यों? अब मेरी दृष्टि से स्वामीनाथन के पिता का उसे डांटना फटकारना एक दृष्टि से सही था, क्योंकि माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बने। जहाँ भी उसे डांटते फटकारते हैं वहाँ उन्हें प्यार भी करते हैं और सुख सुविधाएं भी देते हैं। पिताजी ने स्वामी को पढ़ने के लिए डांटा तो बाद में उसे मनोरंजन के लिए क्लब भी ले गए। सभी का सम्मान करना चाहिए, चाहे वे छोटे हों या बड़े। हमें दूसरों के साथ बातचीत करते समय किस तरह की सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करना चाहिए? हमें सभी का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह छोटे हों चाहे बड़े। दूसरों से बात करते समय हमें सम्मानजनक शब्द जैसे आप, हैं, हम आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अब गर्मी की छुट्टियों में अपने गृहस्थ कार्य के साथ साथ और क्या करेंगे उन कामों की सूची बनाइए। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे अक्सर दादा दादी के या नाना नानी के गांव जाते हैं, किसी पर्यटन स्थल में घूमने जाते हैं। इन छुट्टियों में आप कहाँ घूमने गए, इसको एक लेटर के रूप में आपने लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको एक प्रोजेक्ट के रूप में तैयार करना है। तो ये था आपका वीडियो। ओके, आपका ये लेसन ख़त्म होता है। धन्यवाद।